इन्होंने किसानों को ठगा। इनको संख्या नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में कितने किसान थे जिनका 2 लाख से कम ऋण था, 1,21,00,000 किसान थे। और ये बार बार कहते हैं हमने 28,50,000 किसानों का कर्ज माफ किया, बाकी 85 लाख का क्या हुआ? और पूरे 1.25 करोड़ किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार माफ करती, लेकिन उस दौरान इन्होंने छल से बल से और धन बल से कांग्रेस की सत्ता को गिरा दिया। नमस्कार, आईबीसी 24 के डिजिटल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक बार फिर से दो अन्य प्रवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं आदित्य सोनी जी और बीजेपी से मौजूद हैं मोहित गर्ग जी। दोनों का स्वागत करते हैं। बताना चाहूंगी आप दोनों को कि हमारा जो ये वीडियो सेशन है इसमें हम आपसे दो सेशन में बात करेंगे, एक रैपिड फायर राउंड होगा और एक जो नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक दो क्वेश्चन आप दोनों से पूछूंगी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी मोहित गर्ग जी की, बीजेपी की सरकार जब बनी तो कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि किसान कर्ज माफी योजना को उन्होंने बंद कर दिया, क्या कहेंगे इस पर? इन्होंने किसानों को ठगा। इनको संख्या नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में कितने किसान थे जिनका 2 लाख से कम ऋण था, 1,21,00,000 किसान थे। और ये बार बार कहते हैं हमने 28,50,000 किसानों का कर्ज माफ किया, बाकी 85 लाख का क्या हुआ? और जो 28,50,000 किसानों का कर्ज माफ किया जिसका ये विधानसभा का पत्र दिखाते हैं उसको पूरा नहीं पढ़ते। 60% पैसा सरकार ने दिया जो कि 7,000 करोड़ था, और 40% पैसा सहकारी समितियों से लिया गया। सहकारी समिति में किसका पैसा होता है? किसान का पैसा होता है। तो ये इन्होंने छलावा किया, 85 लाख किसानों की तो बात ही नहीं करते, और 28,50,000 किसानों का भी 60% दिया और जो 40% संस्थाओं से लिया उसके चलते सहकारी संस्थाओं का भी आर्थिक बंटाधार हो गया और आज वो बंद होने की कगार पर बैठी हुई है। तो ये इनका किसान की कर्ज ऋण माफी है कांग्रेस। आप क्या कहेंगे आदित्य सोनी इस पर? जी देखिए, किसानों की कर्ज माफी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें चरण एक और चरण दो की कर्ज माफी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर चुके थे, और उसके बाद आज यहाँ मेरे मित्र बोल रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं हुई, जबकि सदन में माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, और पूरे 1.25 करोड़ किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार माफ करती, लेकिन उस दौरान इन्होंने छल से बल से और धन बल से कांग्रेस की सत्ता को गिरा दिया। यदि सत्ता नहीं जाती तो कांग्रेस का पूरा कर्जा, किसानों का पूरा कर्जा कांग्रेस पार्टी के द्वारा माफ किया जाता, और पुनः कुछ दिनों के बाद जब माननीय कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो पूरे किसानों का कर्जा यथावत फिर से माफ किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस की सरकार जब आई थी 15 महीने के लिए तो उन्होंने संबल योजना को खत्म कर दिया था, उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं रहती हैं वो सभी सिर्फ कागजों पे रहती हैं, संबल योजना मात्र कागजों पे थी। संबल योजना का नाम परिवर्तित करके, संबल योजना को नए तरीके से कमलनाथ जी लेके आने वाले थे, इसलिए उसका नाम परिवर्तन करने के लिए उसे बंद किया गया था। वो जो इनकी संबल योजना थी वो महज कागजों पे थी, वो धरातल में कहीं भी इनकी कोई योजना दिखाई नहीं देती है, चाहे वो संबल योजना हो चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। उज्ज्वला योजना ये लोग लेके आते हैं केंद्र में और उसके बाद में फिर गैस कनेक्शन की सब्सिडी खत्म करने का कार्य करते हैं। हम बात करेंगे एक विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के, जो इसके लिए एक बार फिर से पहल शुरू हुई और कांग्रेस बीजेपी सबने सपोर्ट किया, लेकिन जब लिस्ट जारी की गई तो उसमें महिलाओं की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। देखिए, महिलाओं की संख्या, देखिए चुनाव का जो मुख्य आधार होता है वो चुनाव जीतने के लिए रहता है। बहुत सारी जगहों पर महिलाओं ने आवेदन नहीं किया और जहाँ महिलाओं ने आवेदन किया उनमें पहले उनको तरजीह दी गई, और जिताऊ चेहरा भी होना चाहिए और उसका सर्वे कह लीजिए और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी देखी जाती हैं। सिर्फ महिला होना या किसी जाति विशेष का होना ही एकमात्र आधार नहीं होता है। तो क्या इस पर ये कहना चाहेंगे आप कि महिलाओं को कम आंका जा रहा है? महिलाओं ने कम आवेदन किया, महिलाओं को कम बिल्कुल नहीं आंका जा रहा। अगर महिलाओं को कम आंका जा रहा होता तो उनके लिए 33% रिजर्वेशन की बात क्यों करती सरकार? और ये तो इतने सालों से बैठे हुए थे उस बिल के ऊपर, उसको बिल्कुल अल्टीमेटली लेकर कौन आए? नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल लेकर आए और उसको सदन, दोनों सदनों में पास करा के उसको मूर्त रूप दिया गया। तो ये सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस का दावा ये है कि कांग्रेस विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर सबसे पहले आई थी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले राजीव गांधी जी इस बिल को लेकर आए थे। इस 33% महिला आरक्षण का सपना सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखा गया था और उसको पहले तो इन्हीं लोगों ने पास नहीं होने दिया, और उसके बाद अभी वुमेन्स रिजर्वेशन लेके आए, उसको भी पता नहीं कब लागू करेंगे, उसको भी ठंडे बस्ते में डालने का कार्य, कहीं ये तीन काले कानून की जो दशा हुई हो सकता है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की भी वही दशा हो जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा है और जो उनकी नीति है वो हमेशा से महिला विरोधी रही है, चाहे आप पूरे देश में महिला अत्याचारों को देख लें, चाहे आप मणिपुर की घटना देख लें, और चाहे आप मध्य प्रदेश में अवंतिका नगरी में हाल ही के दिनों में हुई घटना को देख लें, तो सीधे सीधे महिला विरोधी नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। और फिर ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ला के दिखावा करते हैं कभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर,
तो कभी वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बड़े बड़े जुमले महजिए फेंका करते हैं। लेकिन कांग्रेस की भी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जैसे पिछले बार 12% थी और इस बार 13%, मात्र 1% का इंक्रीजमेंट, क्यों? जी देखिए, महिलाओं की जो भागीदारी चाहे वो राजनीति हो चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, उसमें किसी पार्टी विशेष के कारण कम नहीं होती है। महिलाओं के आवेदन ही कम आते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, तभी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। फिर भी हमारी कांग्रेस पार्टी निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है और करती आई है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये महिलाओं की बात करते हैं, ओबीसी बिल ये लेकर आए थे या हम पर आरोप लगा रहे हैं, इनके जो समय सहयोगी दल थे लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अगर बिल लेकर आओगे तो हम समर्थन विड्रॉ कर लेंगे। अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने बिल को होल्ड कर दिया, लोकसभा के बाद राज्यसभा में नहीं लेकर आए। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम तो लेकर आए और दोनों सदनों में पास कराया, तो ये हम पर आरोप लगा रहे कि हमने बिल होल्ड किया। बिल तो इनकी सरकार बचाने के लिए उन्होंने होल्ड किया था, कि उन्होंने विरोध किया था कि अगर आप बिल लेकर आओगे, उनके जो भी आपत्ति रही होंगी मुलायम सिंह जी की और लालू प्रसाद जी की, वो इनके सहयोगी दल थे, उनकी आपत्ति पर उन्होंने बिल रोका। समय का अभाव है और हम अभी एक रैपिड फायर राउंड भी है वो खेलते हैं। तो सबसे पहला सवाल रैपिड फायर का ये है कि बीजेपी की सबसे पसंदीदा योजना कौन है? लाडली बहना योजना। कांग्रेस की सबसे पसंदीदा योजना? नारी सम्मान योजना। आपके रोल मॉडल कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। आपके रोल मॉडल? माननीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह, अगर सीएम फेस से हटाए जाते हैं तो किसको आप सीएम फेस में देखना चाहेंगे, कैलाश विजयवर्गीय या नरेंद्र सिंह तोमर? देखिए, ये मैं इसलिए नहीं कह सकता कि विधायक दल जब चुना जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी उसमें चुना जाएगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होता और ना ही मैं उसके लिए अधिकृत हूँ। दिग्विजय सिंह या कमलनाथ? कमलनाथ जी हमारा कांग्रेस पार्टी का एक सिंगल चेहरा है और कमलनाथ जी ही सरकार बनने का शपथ लेंगे। इंडिया या भारत? भारत। इंडिया या भारत? इंडिया का नाम ही भारत है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वोट कीजिए कि कौन से प्रवक्ता ज़्यादा हिट हैं और फिट हैं। उसके बाद हम आपको कुछ दिनों बाद ही एक रिजल्ट देंगे और इसमें ये बताएंगे कि आपने किनको ज़्यादा वोट दिया है। जब तक के लिए IBC 24 के साथ बने रहिए। औपचारिकता के लिए मैं हूँ सुप्रिया सिन्हा और आप देख रहे थे IBC 24।